ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਬਈ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है जी। सकत भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। जी कराची से जी मेरे बड़े भाई सकत बाबा मेरे साथ है जी। जी मुझे खुशी हुई है सकत भाई आप मेरे साथ आए हो जी। वेलकम कहते हैं आपके शो में आप जी। बहुत शुक्रिया। अभी कहाँ आप हैं? इफ्तिखार साहब के पास। अभी मैं तारीफ करवाने वाला था जी। अभी मैं तारीफ करवाने वाला था। मैंने कहा तारीफ करवाते हैं तो फिर बात होगी। ये पीछे देख रहे जी एक अजीम पर्सनैलिटी बैठी हुई है जी। माशाल्लाह जी जबरदस्त माशाल्लाह। नाम है जदी का जी। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक हो जी? तबीयत सही है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मियां जी पार्ट के हवाले से जितना काम कर चुके मेरे भाई ये कर रहे हैं जी। क्या बात है जी। सक भाई ये जी जी तो आप जानते हैं ये जो मेरे साथ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। इनको कौन नहीं जानता जनाब। इनको कौन नहीं जानता माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह अल्लाह इनको खुश रखे। मियां इफ्तिखार साहब माशाल्लाह उड़ा रहा मुझे कल सुबह से। मियां फैसला जी ये लाड ये साहब का लाड़ा शिकायता जी। ये कहते हैं कि मेरी जान है साथ तो जान है। मैंने कहा साथ जान ही होते हैं जी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सुनाए खान साहब का क्या हाल है? अल्लाह ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। जी जी पहले मियां साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी बिल्कुल कहेंगे जी। बिल्कुल कहेंगे इंशाल्लाह। शाम में मुलाकात होगी। बिल्कुल कहेंगे जी। जी ठीक होगा जी। हाँ जी मैंने कहा कि खान साहब पहुंच गए लाहौर से वापस। जी जी कराची पहुंच गए। कराची पहुंच जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी हमारा भी सलाम और जितने ये दोस्त अभी आप भी हमारे साथ हो जी। काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी जी शुरू आप करें। इंटरव्यू करें जी। करें अच्छे वर्ड इंशाल्लाह अभी दिखाने शुरू। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं इंशाल्लाह। हां थोड़ा सा ये कर लूं ओ चलो बात कर लेंगे। बात फिर कर लेंगे जी। नाम चेंज कर लेंगे थे उतना बात चेंज नाल देखना है। कोई गल नहीं अपन नाम जिक्र तो ही करना ना बाद में कर। जी दोस्तों सॉरी एक थोड़ी सी मिसिंग हुई है जी तहरीर में। मैंने मियां रौफ साहब लिख दिया है जी। वकास भाई रौफ लिख दिया है जी। मियां इफ्तिखार साहब लिखना था। इस वक्त मैं लाइव हूँ जी उस्ताद मियां इफ्तिखार साहब के साथ जी। कौन नहीं जानता जी मोहतरम को जी। एक बड़ा नाम है जी मियां जीर पार्टी के हवाले से। कबूतर परवी को जितनी जान जितनी जिंदगी मियां जीर पार्टी मियां जीर का घराना इन्होंने दी है। मेरा ख्याल उस वक्त शायद इनको भी नहीं पता होगा कि आने वाला वक्त कितना शानदार होगा। लोग ऐसे कबूतरों को देखेंगे। आज मैं उस अजीम घराने के एक और चश्मों के चिराग के साथ मौजूद हूँ जी। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज सारा दिन मैंने इन्हीं के घर में गुजारा है। सारा दिन इनके साथ खाने खाए हैं जी। सारा दिन इनके साथ एंजॉय किया है जी। इस वक्त जी जनाब मियां इफ्तिखार साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। मियां साहब के छोटे भाई हैं जी और जबरदस्त शौकीन है जी। और मियां फैसल के उस्ताद मोहतरम भी है जी। ठीक है जी। वालिद आ रहे मेरे। हाँ जी उस्ताद वालिद ही होते हैं जी। जी दोस्तों मैं ज़्यादा देर तक आपके साथ ऐसे नहीं रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ उनको लेके आऊँ जो असल में हैं। ठीक है जी। ये मैं बंद करके तो फिर ये मैं ऊंचा थोड़ा सा कर लूं। मैं कर लेना जी। मैं कर लेना हूँ।
अंदर करना जाके आप पहले कर लिए ना फिर जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम करना जी हूं। हां पहले वो मोबाइल ला लो जी। ठीक है मैं ला लेना। हां जी तोड़ा कर के ना ले ला ला मैं कैमरा ला के ले आओ। अच्छा ठीक हो गया, टॉक करा लिए ना फिर दाना पा दो। इरादा है एक दाना खाते रहना जी। ठीक होगा जी। ठीक जी दोस्तों, मैं जी स्टार्ट करता हूं जी। जी मियां नजीर के छोटे भाई जी उस्ताद मियां इफ्तखार साहब जी उन्होंने दब वाले कबूतर जी सानू फैसल भाई जरा शौक करवाने वास्ते अंदर ले आए हैं जी। लो जी लाल परी डब वाले जड़े जड़े भी बर्ड है जी इस टाइम जी, वो तानू मैं दिखावा जी। इधर आओ जी। हाँ जी मैं ओ जिंदाबाद माशाल्लाह। लो जी जनाब इधर तुम इधर आ जाओ जी, तुम इधर आ जाओ। इधर चलो मैं देखता जी। हाँ जी तुम इधर बाहर हो बजा थोड़े जी। हाँ इतने लो जी, इतने ठीक है। लो जनाब डब वाल का शौक करो जी। मियाँ इफ्तखार साहब के डब वाले कबूतर जी। ठीक है जी। ठीक हाँ जी हाँ ठीक। जी दोस्तों मज़ा आएगा जी। जिस अजीम घराने से आज मैं सुबह से जिनका काम कर रहा हूँ जी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जी। जितना शौक को प्रमोट करने में इनका किरदार है जी, कम लोगों का जी। छोटा सा गांव है जी पाकिस्तान का, कसूर का एक छोटा सा कस्बा जिसे लिलियानी कहते हैं जी। इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ जी। मेरा ख्याल है जितने भी कबूतर परवर हैं, कोई ऐसा पाकिस्तान का या दुनिया का कबूतर परवर जो पाकिस्तान आता हो और इस गांव में ना आया हो, ये मुमकिन नहीं है, वो शौकीन होना शर्त है जी। हाँ जी ठीक है जी। ये जी देखें जी शौक करें इस बर्ड का जी। ठीक है जी फैजल जी। जी बेहतरीन, मजा आया जी। जी दोस्तों से हाँ जी जी। ऑडियो वीडियो कैसी है जी? ऑडियो वीडियो का मतलब जी माशाल्लाह तस्वीर खराब है जी। माजिद खान अब देखो यार, अब बोलो जी। उस्ताद मियां इफ्तखार की छत से लाइव है जी, ललियानी में मौजूद हैं जी। ये थोड़ी सी एक मिस्टेकन हुई है जी, मेरे से लिखा गया है जी मियां रऊफ साहब लिखा गया है जी इनके बड़े भाई का नाम, लेकिन मियां इफ्तखार की छत से इस वक्त लाइव है आपके साथ जी ललियानी से जी। जी दोस्तों आप देखो ऑडियो वीडियो कैसी है जी, अगर ऑडियो वीडियो का सक भाई आप बता दो ऑडियो वीडियो कैसी है। हाँ जी ओ लाइट ओरी वजह तो ऐटोमैटिकली होंगी है ओरिजिनल और नाली थोड़ा पीछे मैं आ गया, मैं इन्हें पीछे कर लेना है। हाँ इतना ये इन्हें पीछे थोड़ा कर लेना इतने कर लेना। अच्छा जी इधर मेरी जगह है नहीं ठीक है जी। जी दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत बर्ड है जी, क्या बात है। ठीक है जी मेरे उस्ताद मोहतरम जी, ये लाल पति है जी। जी जी दोस्तों इनका जिक्र करते हैं जी, मियां फैसल मेरे साथ है जी। मियां फैसल भाई जी दोस्तों जी उस्ताद मियां तकार साहब के लालपुरी कबूतर जी, सियान उड़ान और खूबसूरती। देखो जी वीडियो कैसी है, माशाल्लाह लाजवाब हैं जी इनमें, हर तरह की क्वालिटी है माशाल्लाह।
जी फैसल, फैसल ठीक है वीडियो? जी ठीक। अच्छा एक मिनट, जी अब देखें जी अब रिजल्ट कैसा है जी, ये देखें जी ये ठीक आ रहा जी, कुछ बेहतर है, अच्छा हुआ है। चलो जी ये जी डब वाले कबूतर हैं जी, उस्ताद मियां इफ्तिखार के जी लियानी में इस वक्त मौजूद हूँ जी, मियां नजीर के छोटे भाई हैं जी और जबरदस्त शौकीन है जी। मियां साहब से बात होती है जी, इंशाल्लाह पहले मैं चाहता हूँ कि ये बर्ड आपको कुछ दिखाए जाए, टाइम आउट हो रहा है ना, शायद दाना वगैरह अभी कर रहे हैं जी। हाँ जी इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं जी। उधर क्या है जी, उस तरफ जी, उधर टैडी दिखाएं जी, टैडियों की जी दिखाते हैं जी, बाद में इधर आ जाए थे। जी लो जनाब टैडियों का भी शौक करो जी, तुहानू एदा भी मजा आएगा, इन्हां सारे अंदर करके ना छोटे भाई मौजूद हैं जी, हम इस वक्त लियानी में जी और जबरदस्त बर्डों का शौक का सिलसिला जारी है जी। मेरी कोशिश थी कि नामवर कबूतरों के साथ, मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई घर नहीं है जी, कबूतर बर्ड के हवाले से मियां नजीर का एक नाम है जी, एक ब्रांड है जी। जी दोस्तों ये सब टैडी कबूतर जी, मियां साहब जी ख्याल कि आप ये जो हम टैडी देख रहे हैं ये तो इसमें टैडियों में कोई और कबूतर भी शामिल किए गए इसमें या ये डांके टैडियों से निकलता है टैडी है जी? और ये मियां साहब के बेसिक कबूतर थे ना टैडी, जिन्हें कोने वाले भी बोलते हैं। हाँ जी ये वो वाले कबूतर है जो आपको दिखा रहे हैं, ये अब इनका नाम है जी बालो बतिया। अच्छा बिल्कुल बालो बतिया कहते हैं जी जी, इनका एक भाई उड़ाया वहाँ पे प्याज उड़ी है की छत पे। जी दोस्तों एक मिनट जी, मैं चाहता हूँ ये दोस्त मेरे बर्ड का शौक करें क्यों जी, फैसल भाई मजा आया जी इसका जी, जी माशाल्लाह जी इसका भी शौक करें जी। और इसको भी शौक है जी तस्वीर खिंचवाने का जी, इधर एक केला खड़ा उसका, इसको भी शौक है जी, इधर रोशनी इधर थोड़ी सी कम होती है जी, शौक तो इसको बहुत है जी, लेकिन चले कोशिश करते हैं इसको शामिल करने की जी। ये देखे जी बहुत जबरदस्त ये बर्ड है जी, लेकिन इस तरफ सनलाइट है ना है। जी ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं थोड़ा सा ठीक है जी, ठीक है जी दोस्तों बस हो गया वेले साथ जी जी साथ जी, बस थोड़ा यार ये ले जी पता ठीक है जी, बड़ा ही और पास चले जी, चलिए जी चलो उधर हम गोल्डन में खा के लो जी, थोड़े से गोल्डन का भी शौक करते हैं जी, ठीक है जी। नहीं नहीं बस ठीक है जी, उस्ताद मोहतरम के जी उस्ताद मियां इफ्तिखार ऑफ लियानी के जनाब ये गोल्डन कबूतर आप सब देख रहे हैं जी। नहीं बस
ले जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पाओ दो चार जी दोस्तों हस्बे वादा मौजूद हूँ जी इस वक्त जी उस अजीम पर्सनालिटी के साथ जी जिसका आपसे वादा किया गया था कि आज आपको मिलवाएंगे और गुफ्तगू भी जारी रहेगी। कुछ बर्ड दिखाने का भी शौक है जी मुझे कि इनके हाथों से आपको बर्ड दिखाए जाएं जी। मियां नज़ीर एक कबूतर परवरी का बाप है और एक ऐसा सबक है कि जिसको ये याद नहीं रहता वो कभी कबूतर परवरी में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई घर कोई शहर कोई कस्बा ऐसा नहीं है जिस जगह मियां साहब का जिक्र और उनका नाम ना लिया जाता हो। उसी चश्मो चिराग घराने के आज सारा दिन मेरे साथ रहे हैं जी। उनके भतीजे उनके भाई उनके अजीजों में से आज सारा दिन मेरा उनके साथ गुजरा है और उन्हीं अजीम पर्सनैलिटीज़ में आज उनका छोटे भाई मियाँ इफ्तिखार साहब उस्ताद मियाँ इफ्तिखार साहब बहुत बड़ा नाम है जी कबूतर परवरी के हवाले से उनका भी जी। और भाइयों में वैसे शौकीनों के हिसाब से ये एक ही रह गए हैं शौकीनों के हिसाब से कि एक रह गए हैं जी। दोनों भाई असल शौकीन जो थे मियाँ रऊफ साहब मियाँ नज़ीर साहब अब दुनिया में नहीं रहे जी पर्दा फरमा चुके हैं जी। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए जी जी जी। आज वो अजीम पर्सनैलिटी जनाब मेरे साथ मौजूद है जी। इनको कहते हैं जी उस्ताद मियाँ इफ्तिखार साहब जी मियाँ साहब के छोटे भाई जी। जी मियाँ साहब आपको अपने शो में हम वेलकम कहते हैं जी। आपने हमें टाइम दिया आपका बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी आपके घराने का जिक्र करना ऐसे ही है कि जैसे कबूतर परवरी का जिक्र हो और आपका जिक्र ना आया तो मज़ा नहीं आता। ठीक है जी जितनी खिदमत आपके बड़े भाई ने कबूतर परवरी के हवाले से की है कम मिसाल मिलती है। बड़े बड़े अच्छे लोग गुजर चुके हैं दुनिया से जिन्होंने बहुत मेहनत की है वो भी सब अजीम थे लेकिन असर हाजर में जब हम जिक्र करते हैं तो वो मियाँ साहब का नाम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है जी। ठीक है जी अगर यूके में कहते हैं तो वहाँ आपकी पार्टी है पाकिस्तान के किसी शहर का जिक्र करते हैं तो आपकी पार्टी है जी। किसी कस्बे का किसी छोटे से छोटे शहर का यार ये मियाँ साहब वाले हैं यार ये मियाँ साहब के टैडी हैं ये यार गोल्डन है यानी कि हर हाल में किसी ना किसी हवाले से मियाँ साहब का जिक्र खैर आता है। उन्होंने करवाया जी जी। मियाँ साहब एक तो जी सलाम अलैकुम मियाँ साहब आपको बहुत से लोग देख रहे हैं जी कराची से हैं आपकी पार्टी के मैन का जिक्र फिर से करता हूं जी। साकब बाबा जो हैं वो मेरे पीर भाई भी हैं बहुत ही मेहरबान है जी ये खान साहब के साथ होते हैं जी उनके साथ बहुत मोहब्बत है इनकी जैसे आपकी फैसल के साथ है ना बिल्कुल ऐसे इनके साथ है जी यानी कि उनके बगैर उनका गुजारा नहीं। साकब भाई कहाँ है जी खान साहब बुलाएंगे खान साहब सिंध में आपकी पार्टी के रिंग लीडर हैं। हाँ जी खान साहब हमारे बड़े भाई हैं जी आपके भी भाई हैं जी हमारे भी बड़े भाई हैं जी तो वो हमें देख रहे हैं जी वो पूछ रहे थे कि कब जाना है मैंने कहा जा रहे हैं जी रास्ते में। ठीक है जी और उनके साथ साथ जी साकब भाई आपको भी बहुत से दोस्त जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं जी वो आपको सलाम भी कह रहे हैं आपको देख भी रहे हैं। मियाँ साहब शौक तो आपके खून में शामिल है। ठीक है जी मैं एक बात पूछूंगा क्या आपको आज से 10 या 15 या 20 साल पहले 15 साल पहले अंदाजा था कि कबूतर परवरी इस जगह पे भी आएगी? सही गल करा अंदाजा है हां नहीं सही सही मैं भाई ने दी तू ये गल कही मैं अच्छा? आपको वक्त दुनिया दे आपा होने वाले लोका मसाला देनिया मियां साहब दे कबूतर। अच्छा जी मियां साहब दे घर
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਬੈ ਮੈਂ ਹੰਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਦਾਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਨਦਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ जी मियां साहब जी मियां साहब को फोन आ गया है जी 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 मियां साहब देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਚ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਉਜ਼ਾਰ ਗਏ ਜੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾ ਮਨਵਰ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਚ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਾਤ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ 50 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਦਰਾ 60 ਸਾਲਾਂ 17 ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ ਅਮੈਰਟ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਟਾਟਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡੂ ਸ਼ਿਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਜੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਰਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਟੈਡੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੱਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੱਗਰਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਦਾਦ ਚ ਬੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਉਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋਲਡਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਡੱਬਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਡੱਬਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਚੰਨ ਹੀ ਲਾਏ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮੇਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਤਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਡ ਬਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਨੇ ਦੇਖਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਠ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
देखो जी ये इंतहा किसदे इलम दी किसे दी जुस जुदी जिथो उना दी इन्वॉल्वमेंट उना जानवरा च इन्नी ज्यादा सी कि उना नु पता सी कि इन्हां ने आ करना फिर तुहानू मैं उना दी एक होर गल सुनावा साडे टूर दे बाजी लगी होवे मसालिया गल तुहानू वी गल 14 कबूतर साडे दिसण 20 जी उना ने कहा जी आ मैं 14 कबूतर रात रागण दिन ला इन्हां ना ते उना दे नाल ते मैं कबूतर बाजी करदे आ बड़ी गल ओहो 14 सवेरे आए सुबह रात आशाला तीन भरा जो बहुत शौक जनाब फैसल भाई कह रहे जी पहला ने एक दो कबूतर दिखाने जी जी फैसल भाई कबूतर ने जी मियां साहब जी जी उस्ताद मोहतरम कबूतर ने जी बालो बत्तियां कहते क्यों जी रात ही पहने अच्छा यानी के मतलब बत्तियां बालो दो तीन दिन भैन भरा यानी के बत्तियां बालो रात नूं बैठना जी तां बालो बत्तियां ने बालो बत्तियां प्या धोरियां ने कोल बाजियां जोड़ दे प्या धोरिया अपना खारियां वाले जेड़े जेल वाले जेड़े हां जेल वाले उस्ताद रहे शिगिरद सन धोरिया इधरों दी अच्छा ठीक होगा जी लो जनाबे वाला बालो बत्तियां दा तुसीं शौक करो जी उस्ताद मियां इफ्तिखार साहब साढ़े नाल ने जी मियां रजीद दे छोटे भाई लल्यानी जैसे इस टाइम लाइव हां साढ़े नाल जी दोस्तों मैं ना उसे थोड़ा लफ्जों के मेरे को मिस्टेक हो गया मियाँ रऊफ साहब का मैं ना लिखता लेकिन मैं उन्होंने छोटे भाई मियाँ रजीद के छोटे भाई मियाँ इफ्तिखार के घर लल्यानी इस वक्त थोड़ा नाम मौजूद है जी बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया अच्छा दिखाओ जी होर कि खूबियां ने जो बत्तियां च बैठने वाले ने दोस्त अगर मेरे अपने जौक शौक च इजाफा करना चाहते हैं तो वो देख जी ये बाल बत्तियां बालन के क्यों बैठते थे इन्हें कि चीजा लगियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਕਾ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਕਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਟੈਡੀ ਇਸ ਕਲਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਵੀ ਟੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਟੈਡੀ ਹੈ ਟੈਡੀ ਹੈ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਟੈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਅਰਮੀਆਂ ਸਹੀ ਦਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ तीसरी दुनिया दूजे बदनाम हो तीसरी दुनिया कड़ी गए तीसरी दुनिया बनाने लगा कह के ये फिर बढ़ाए और इन्होंने सबको पीछे छोड़ा क्या ये लाल परी है तीसरी दुनिया थर्ड जनरेशन है लाल परी क्या बात है जी देखे जी बहुत से लाल परी आपने देखे होंगे जी ये शौक करें लाल परी का जी उस्ताद मियां इफ्तिखार के लाल परी थर्ड जनरेशन जिनको कहते हैं जी के ये मियां साहब ने स्पेशल बनाए हैं जी कह के ये थर्ड जनरेशन होगी तीसरी इसका नाम ही मियां साहब ने तीसरी दुनिया रखा था बड़ी बात है जी बड़ी बात है जी माशाल्लाह क्या बात जी लाल परियां जी ठीक है जी तीसरी दुनिया जी ये कौन से हैं जी टैडी का शौक हो रहा जी मियां सही दाल मियां बालो एहो बत्तियां कह सकते अच्छा इन ये भी रंग सी मियां साहब आओ बालो बत्तियां च मिल गए
ये पुराना होके वैसे ही डार्क हो जाएगा। अच्छा हो ऐसे जाएगा, वो ऐसे जानवर रहेगा, वो मेन वड्डा कबूतर है ना, ये आगे उसकी है नस्ल, वो ही है नस्ल, वो ही है, ये उसकी ब्रीड में से आगे बेले वड्डा वो ही है ना। ये होती है जेदी भाई टैडी कबूतरों की आंखें, और ये मोरा होता है, ठीक है। क्या बात है, ये पल्ला दिख रहे पल्ला दिख, खूबसूरती उड़ान अखीर है जी माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात, मजा आ गया, क्या बात। दिखाएं जी इसके पंजे तीसरी दुनिया के जी। नहीं इसमें चला गया। अच्छा इसमें इंदे भी आ गए, इंदे भी। यदि भाई कल रात से मैं आपको अपने उस्तादों वाले कबूतर दिखा रहा हूँ, ऐसे ही हैं जी सब में, ये चीज कॉमन आई है, एक ही है जी, एक ही है जी, थ्रू आउट एक है जी, किसी एक कबूतर में वहां से हटके कुछ नहीं आया, ऐसे ऐसी है। ये भी मेरे साथ टैडी है जी, ये भी टैडी। एक और वैरायटी आई है जी, ये भी टैडी है जी, तीसरी दुनिया आ गई है जी। हाँ जी ठीक है जी। जी दोस्तों करें जी शौक जी टैडियों का जी, दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे ताकि और भी दोस्त शौक करें। जी जी साहब जी, उस्ताद मियाँ नजीर साहब के छोटे भाई, उस्ताद मियाँ रौफ के छोटे भाई, उस्ताद मियाँ इफ्तिखार ऑफ लिलानी के साथ इस वक्त लाइव है जी, उनके कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं, ये टैडी कबूतरों का आप शौक कर रहे हैं जी, शुक्रिया जी। ये दिखाएं जी, ये तो मियाँ सही साहब का, ये है जी मियाँ सही साहब के नाम से, जो मियाँ माजे साहब के बड़े वाले साहब वाले साहब हैं और मियाँ साहब के बड़े भाई हैं, उनके नाम से ये ब्रीड मंसूब की गई थी, ठीक है। क्या बात है जी माशाल्लाह। ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਥਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰੀਡ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੀ ਆਂਖ ਪੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਲੋਗ ਅਕਸਰ मुझसे भी सोशल मीडिया पे पूछते हैं जी लाल परी की आंखें कैसी होती हैं, देख लें जी फिर जी। वो कच्ची आंखों के अजीब से कबूतरों की तस्वीरें भेजते हैं, जब उन्हें कहते हैं कि भाई ये लाल परी नहीं है तो वो गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको ठगी लगी हुई होती है, कहीं 10-20 हज़ार का खरीदते हैं कि हमने तो ये बड़ा सस्ता ले लिया तो लाल परी आ गया, फिर मुझे कहते हैं यार भाई ये देखना, तो मैं कहता हूँ यार नहीं ये नहीं है, कहते तेनू की पता, मैं यार चलो मेनू नहीं पता, फिर देख लें ये होते हैं जी, तो ये अब मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए बिल्कुल ठीक है। इसकी आंख फिर दिखाएं जरा, देखें जी देख लें जी इनकी आंख कैसी होती है जी, मेरा ख्याल नजर आ रही है जी आंख ठीक है जी, आंख नजर आ रही है ना लोगों को बिल्कुल, ये अब कुंडा भी दिखाएं जी बिल्कुल जी, क्या बात है जी माशाल्लाह। दोस्तों क्या बात है जी, ये मियां के घराने के ये जो बर्ड आप देख रहे हो जी, दुम भी देख। कल से मैं आपको दिखाने शुरू किए हैं जी मैंने जी मियां नजीर के घर के जी ये बर्ड जी, कभी उनके ब्रिजों के, कभी उनके भाई के घर के, कभी उनके शागिर्दों से, लेकिन कबूतर आ जाके वही होते हैं ठीक है जी। ये गोल्डन आया जी, ये वो कबूतर है जी जिनकी अभी हम बात कर रहे थे ना, मियाँ साहब ने टाइम लिख दिया था कि इतने बजे बैठेंगे, ये वो जोड़ा लगाने से पहले, जोड़ा लगाने से पहले टाइम लिख दिया था, उन्होंने कहा कि वो जोड़े लगाए मियाँ रऊफ साहब ने, सारे दोस्त बैठे हुए, मियाँ साहब ने कहा यार वो जोड़ा तो तुसी लाया ही नहीं जिन्हें मेरा ना कटना, उन्होंने कहा जी दसो केड़ा नर मादी है, बताया फलां नर फलां मादी, दोस्तों ने कहा जी जो तुहाडा ना कटना है ना तो लिख के दियो किन्ने बजे बैठ गए, जोड़ा लगने से पहले बबी बताया कि फलां नर और फलां मादी लियो, बताया कितने बजे बैठेंगे पूछा तो उन्होंने 5 बजे का साहब, उन्होंने कहा ये कम से कम 5 बजे लिख के दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी सीजन में जब बच्चे माड़ो दो बहना उड़ी हैं माड़ो उड़ी आज भी दुनिया को छोटा एक बच्चा कलियां सी उड़ी जी, मियां साहब दे छोटे भरा जी दसन दे पैने जी, हां जी मियां साहब बैठ जो जोड़ा लगा सीगा जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਲਗਾਣਾ ਇਹ ਮਾਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦੇ ਐਂਡ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਉਸ ਬਰੀਡ ਮੇ ਸੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹਨੀ ਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਕੇ ਪੱਠੇ ਔਲਾਦ ਉਹਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪੱਠੀਆਂ ਉਹਨੀ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਨ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕੀ ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ देख लें जी दोस्तों इनकी माशाल्लाह पलके आंखें आंखों में क्या क्या है गौर करें जो कुछ भी है जो उस्ताद लोग हैं उनको सबको पता है क्या नजर आ रहा है सारा कुछ हाँ जी जो उस्ताद देख रहे हैं उनको पता है कि इसमें क्या है हाँ जी उनका शौक यही है ना सारा दिन आंखें देखना जी भाई माशाल्लाह ना कुंदा दिखाए दोस्तों ये आखिरी पार पुराना है कोई बात नहीं हाँ जी दोनों पास साज पुराना क्या बात है माशाल्लाह देख लें जहाँ तक मर्जी कुंदा खोल लें ठीक है कहीं पे खला नहीं आएगी कहीं पे स्पेस नहीं आएगी कहीं से बेडंगा नहीं होगा कुंदा इंशाल्लाह ये थ्रू और जितने भी देख के आए हैं घर से ये सारे ऐसे ही हैं जी ये देख हाँ जी आज ये देखें आज जब मैं इसका पूरा वो दिखाएंगे आज जब मैं आपके भतीजे से मैं जब बात कर रहा था ना अमेर से मियां साहब रौफ के बेटे से उसने बड़ी प्यारी बात की उसने कहा कि इसमें अब और कुछ शामिल करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ डल चुका है ना कि अगर यही मेंटेन होते रहे तो काफी है जानवर जानवर अच्छा मियां साहब मेरी एक गल दसो ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਰਿੰਗ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈ ਹੀ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਾਉਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ 12 ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ बड़ी बात और हम कितने शागिर्द हम कितने कितने ले गए पता नहीं है कौन कौन सबको मिल रहा है लेकिन ये वैसे ही है ठीक है ये वैसे ही रखे ने जो ना रखा है जो चीज कोल बनी तुसी आप बनाई है तुहानू इन्हां दा पता है उन्हां तो अच्छी जिहड़ी ना कोई परफॉर्मेंस नहीं है ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੇ ਦਿੰਦਾ ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਵੀਰ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਯਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੌਫ ਰੂਫੇ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਵਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤਾੜਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਮਸਾਲੀਆ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ महीने सारी दुनिया से उठते ने जो बाहर मैं गर्मी जो कणक रही होंगे डायलॉग होंगे सब खुडे भरे होंगे ने ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੂਟਰੀ ਦਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਸਕਾ ਐ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰਟ ਮਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਮਾਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
मजेदार जाना मेनू वाकया सुनाओ भरावां दा सारे दा कदी मतलब जोड़ा लांदे होवो ते तुसीं लड़ पे होवो एक दूजे नाल गल सुनो ना मेरी गल सुनो ना गल सुनो तुसीं जोड़ा लांदे आ लड़ पाओ ते जनाब मैं ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣਾ ਰੂਫ ਰਾਓ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਪਏ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸੀ ਨੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੋਦਾ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾ ਆਖੀ बाऊ जी ते कबूतर बहुत अच्छे उड़ते है ताडे इलाके च ना एक ताडा जो उस वक्त की गल करता है हुण दी 15-20 साल की गल नहीं करता पिया सिलसिला हुण है ना जिवें कमगरां वालेयां दा नाम ठीक हां कमान गरां दा नाम से ठीक कमान गर मैं कहा बहु जी बहुत छेड़दे है ते तुसी इन्हां नूं जदों बणांदे हो करदे हो ते दूजे कबूतरां नूं तुसी जी नहीं दिंदे एड़ी ते तुहानूं इहदे तौर च की मतलब तुहानूं शौक दा हवाला कहिंदे बल्लो इह मैं आप बणाए ने इन्हां दा मैनूं पता है मैं उस्ताद हां पते दा ठीक है जी मैनूं इन्हां दा पता कि आ की है दूजे दा मैनूं पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਜੂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਜ ਕੋ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪਿਓ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਲੋ ਦੋ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਕਬੂਤਰ ਉੜਾ ਇਧਰ ਲਲਿਆਣੀ ਮੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ उनके पास उस्ताद जी ने एक बच्चा छोड़ा उड़ने के लिए तो वो माशाल्लाह वहाँ पे उड़ता रहा साफ हुआ जवान हो गया बाजियां आ गई बाजियां उड़ा चार साल वो चार साल वो भाई जान उड़ा था उसके बाद इस एरिया में कबूतर नहीं बैठता था शाम को जब वो बैठ जाता था उसके बाद इस एरिया में कबूतर कोई नहीं बैठता था तो उसका नाम रखा गया था जेन उस कबूतर का एक दिन क्या हुआ वो काफी लेट बैठा तूफान था बहुत ज्यादा वो सारा दिन तूफान से लड़ता रहा फिर भी अपने टाइम पे बैठा जेन आ गया ठीक है जब बैठ गया तो अगले दिन उन्होंने कहा यार आज काफी जोर लग गया आज इन्होंने कुछ 40 cc पानी दे दिए ते गेड़े बार के बैठ जाए तो 40 की बजाय उन्होंने 60 cc पानी दे दिया कि चलो ये गेड़े खा के ना बैठ जाएगा लेकिन वो फिर बंद हुआ फिर उस आज बैठा 3 बजे फिर 3 बजे बैठा जी बड़ी बात है वो इसका बेटा जी मेरे मियां साहब मेरे एक मेहरबान है जी छोड़ो यार मेरे ना एक दोस्त है जी बहुत प्यारे जी उनका तालक मुल्तान से है जी उनको कहते हैं ये उस्मान उस का बाप है जी उस्मान अरल बड़े अच्छे दोस्त हैं जी हमारे माशाल्लाह उस्मान भाई कह रहे हैं जी कि मियां साहब से एक फरमाइश करते हैं जी अगर मिस्से हैं तो उनका शौक करवा नहीं मिस्से नहीं होंगे आ काले तू ही गालो विनो मिस्से भी कह सकते हैं लेकिन ले जी मैंने आपकी फरमाइश हम अपना उस्मान भाई बता दिया मियां साहब को वो कहते हैं मेरे पास नहीं होते जी ऐसे जी में सब इनको चाहे मिस्से कह लें ठीक है काले दिखाए हैं जब तीसरी दुनिया का दिखाए हैं ना वो जो लोग कुछ उनको मिस्से भी बोलते हैं नहीं जो सुबह हमने देखे थे मैंने कहा था कि ये वो लगते हैं लेकिन वो भी वो डब वाले लाल आप कहते हैं ना डब मियां साहब ने जो उनका नाम रखा है ना
वही नाम लेते हैं। ठीक है, मिसे कबूतरों की आंखें और स्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं था, अच्छे थे, हम ये नहीं कहते अच्छे, वो इन्हें नहीं उड़ते, लेकिन जो कबूतर मियां साहब के हाथ से निकलते थे ना वो उनसे भी आगे थे। ये उस जिन कबूतर का बाप है जी, जो उड़ा था 4 साल। जी उस्मान भाई, ये इसका शौक करें जी। उस्मान भाई इंशाल्लाह ये मिसे जो कबूतर है ना वो इनके पास से भी नहीं गुजरते इंशाल्लाह। ये टोटल पेडिग्री ब्रीड है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। दिखाएं जी, दिखाएं। नहीं मेरे पूरा पूरा कुदा खोला जी, बगल तक मैं दिखावा लो, तुझे थे रखो बस इधर। ये लो जी, ठीक हो गया जी, आला जी, क्या बात। लो जी ए बगल तो लेके आखिरी पर तक तुसी देखदे पे हो जी, पूरा मुकम्मल कुंदा जी दा जी। मैं तो जजमेंट कोई नहीं दवांगा जी, ना को कमेंट करांगा, तुसी आप दसना है की है जी। अच्छा मियां साहब बात को कंटिन्यू करते हैं, कोई ऐसी बात, मैं फिर वही बात करूंगा कि मियां साहब कह रहे हो कि ये नहीं करना, ऐसे करना है, तो जब आप एक दूसरे के साथ जोड़ों में बहस बासा करते हो, ठीक है जी, तो उस सिलेक्शन में आखिरी फैसला किसका होता था? उंदा भाई, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सन बड़े सन, इस करके जी और पता दी गल दसा, आज शाम दा टाइम जे, आज सीधा उन्होंने नहीं करी दसा मैं एडा बड़ा उस्ताद हां। अच्छा, आज दे वाला जन्नत दा घर दे फौज भी हो गए ने, दुनिया कहती है बहुत बड़े उस्ताद, उन्होंने नहीं आज सीधा मान लिया, कहना अल्लाह की करे बंदे भी नहीं। अच्छा वैसे ना मियां साहब एक चीज जड़ी मैं देखी है ना, जो मालक किसी ने कोई नवाजता है ना और कोई ना कोई खूबी होंगी जरूर है, जड़ी मालक नु पसंद होंगी है और वजह तो फिर रंग रूप खैरां आफियतां हर चीज चलती है, ठीक है, वह फिर अल्लाह पाक दी ज़ात उन्हें बुलंद करती है, उन्हें उहदी अदायगी च और अपना जड़ी शोहरत विच या किसी शक्ल च भी तुसीं कह लो उन्हें अल्लाह पाक बुलंदी देंदी है और कोई ना कोई ओरी पसंदीदगी हुंदी है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾ ਧੋਣਾ ਮਜੂਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਬੁਲਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਤਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। हाँ जी, मुझे कॉल की के मैं पहचान है मलक मोहतब ने मुझे कॉल की, इस भाई ने ना नया चैनल शुरू किया है तो उसका ना जरा मियां साहब के घरों का शौक करवा दे, आपकी तो उधर तल्ला क्या प्यार है, आ गए सारा दिन शौक किया मियां रऊफ साहब की तरफ, माजिद की तरफ, उस्ताद मोहतरम की तरफ, जब वापस चले ना तो मैं उनके साथ ही आ रहा, वापस ही जा रहा था उनके साथ, उन्होंने कहते फैसल भाई गुस्सा ना करो तो गल कहवा मैं जी कहवा, यार मैंने उसके कबूतरबाजी के भी बड़े चर्चे सुने हैं, हाँ जी, दुश्मनी की भी बड़े बातें सुनी हैं, बड़ी बड़ा कुछ सुना है यार, मिलके नहीं लगा कि यार इतने सादा बंदे, मैंने कहा यही कामयाबी है, लगते नहीं है जो है वो नजर नहीं आ रहे, जरूर अपन कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह की करम नवाजी है बस, ऐसे मैंने कहा यही कामयाबी है। अच्छा मियां साहब अब आखिरी वक्त है, ठीक है जी, अल्लाह पाक ने पता नहीं कब लावा है किसी का, पता नहीं किसी चीज का होता है, आपने बहुत अच्छा वक्त गुजार लिया अपनी जिंदगी में, ठीक है जी, अल्लाह पाक ने आपको कोई ऐसी चीज जिसकी ख्वाहिश आप नहीं कर सकते कि जो आपने ना देखी हो, सब कुछ दिया है, औलाद भी दी है, ये कारोबार, ये शुगल मुगल दोस्ताने वगैरह वगैरह हर शे आपको दिया है, कुछ दोस्तों के लिए अपना खास पैगाम छोड़े तो दोस्त आपकी बात को याद करें, पैगाम दी ते लोड कोई दुनिया की नहीं जा रही, नहीं नहीं मियां साहब, नहीं नहीं मियां साहब देखो अपनी जिंदगी दा ना हर बंदे दा निचोड़ हुंदा है, ए खून ही अच्छा जी, कौन खून नु दी तरजीह दे ब्लड वाइज ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਦਾ ਲਫਤਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੀਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ ਬਲੀਡ ਨੂੰ, ਬਲੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ,
ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇਗੇ ਪੱਟ ਲੱਗੇ ਉੱਡਣੇ ਤੇ ਆਏ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਰਜੀਹ ਬਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਕੋਈ ਗਾਓਂ ਕੋਈ ਘਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੇਲਾਮੋਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਜੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਲੋਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ